जैसे हम लोग जानते हैं कि छठ व्रत 4 दिनों का अनुष्ठान होता है और 4 दिनों में तीसरा दिन काफ़ी महत्व है, क्योंकि पूरे दिन छठ का माहौल होता है और तीसरे दिन शाम को या षष्ठी तिथि को शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सुबह से ही व्रत करने वाले या व्रती प्रसाद बनाने में जुट जाते हैं और प्रसाद में ठेकुआ जो कि आटा और गुड़ का बना हुआ होता है और शुद्ध घी में उसे पकाया जाता है, साथ साथ पूड़ी भी है और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी ऋतु फल हैं उन ऋतु फलों में मुख्य रूप से कद्दू, कोहड़ा, नींबू, केला, अदरक आदि आदि का उपयोग होता है। दिन भर तैयारी चलती है और शाम को प्रसाद के सारे चीज़ों को बांस के बने हुए दौरा में रखकर घाट पर ले जाते हैं। घाट या तो तालाब हो या नदी हो या नहर का घाट हो, घाट पर पूरे गांव के लोग जुटते हैं और पूरे लोग मोहल्ले के लोग जुटते हैं और सामूहिक रूप से इस व्रत को मनाते हैं। शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और अर्घ या तो गाय का दूध होता है अर्घ देने के लिए, या अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो जल से अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती घर लौटते हैं और साथ साथ घाट पर एक बहुत बड़ा मेला भी लग जाता है। क्यों कि जो व्रत किए हैं या व्रत नहीं किए हुए सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन यह होता है जहाँ पर सूरज को डूबते समय हम अर्घ देते हैं। सचमुच में मित्रों, यहाँ पर एक बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उगते हुए सूरज को तो सब लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को इसी व्रत में याद किया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।